आगे बढ़ेंगे। अब सीहोर से बोरवेल में फंसी सृष्टि से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन मिली है। बोरवेल में 100 फीट पर पानी मिला। बोरवेल से पानी निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है। पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जा रहा है। रोबोट से पहले डाले गए सेंसर ने बच्ची को ट्रेस किया था। रोबोट एक्सपर्ट टीम ने सेना को ये जानकारी दी। हुक मेथड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आज तीसरा दिन है इस रेस्क्यू का। 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन मिली है और बोरवेल में 100 फीट पर पानी भी मिला है, जिसे पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और सीधे मौके से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या फिलहाल स्थिति है? बच्ची को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा? बिल्कुल, तो लग रहा है कि इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, माना जा रहा है कि अब बच्ची शायद ऊपर आने की स्थिति में है। और यही कारण है कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो स्टैंड बाय हो गए हैं। एम्बुलेंस भी आप नजर आ रही होगी, इसके पीछे के दरवाजे खुले हुए हैं, ड्राइवर भी बैठा हुआ है। तमाम जो तैयारियां हैं वो इस प्रकार की है कि कुछ ही देर में बच्ची सतह पर आ जाएगी और तत्काल उसे अस्पताल ले जाया जाए। इसको लेकर तमाम जो यहाँ जनता खड़ी थी उसको हटा दिया गया है, यानी कि एम्बुलेंस के लिए पूरा जो रूम है वो क्लियर कर दिया गया है। खासतौर से एक सामने पायलट गाड़ी भी है पुलिस की जो अस्पताल तक उसको लेकर जाएगी। तो तमाम तैयारियां इस तरीके से की गई हैं, इससे माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में, यानी बहुत जल्द, शायद वो इंतजार जो लंबा इंतजार था 40 घंटे से ज्यादा का इंतजार हो चुका है, वो खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक बार फिर से जो हुक या फेक फंदा बनाया था उसके जरिए ही उसको निकालने की कोशिश की गई थी। यही कारण है, देखिए आपको नजर आ रहे होंगे सामने SP मयंक अवस्थी खड़े हुए हैं, तमाम जो SDRF और आर्मी के जवान खड़े हुए हैं, साथ ही महेश अहिर भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में किसी भी पल शायद सृष्टि अब जमीन की सतह पर ऊपर आ जाएगी और तत्काल उसको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाएगा। तो इंतजार जो है खत्म होता नजर आ रहा है, और जिस तरीके का मूवमेंट है उससे अब संभवतः यही माना जा रहा है कि शायद कोई भी जो पाइप छड़ है वो अंतिम छड़ हो सकती है। करीब 115-150 फीट की जो छड़े हैं वो अंदर डाली गई थी। और देखिए लगातार मूवमेंट तेज होता जा रहा नजर आ रहा है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, देखिए आप, वो भी गाड़ी में बैठ चुका है। तो माना जा रहा है बहुत जल्द ही ये जो सृष्टि है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। पूरा जो रास्ता है यहाँ से मेन रोड तक का जो अप्रोच रोड है वो पूरी क्लियर करा दी गई है पुलिस के द्वारा, और वहां पर भी जो सफेद बैरिकेड लगा है वो भी तत्काल हटा लिया जाएगा। तो तैयारियां जो है कह सकते हैं ऋतु पूरी है, और सभी को इंतजार इसी बात का है कि वो जो खबर है वो कब तक दर्शकों तक पहुंचेगी, कब तक परिवार तक पहुंचेगी कि उनकी बच्ची को वापस निकाल लिया गया। लेकिन उसकी बात जरूर ये जरूर है कि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं मिला था, इससे उसके स्वास्थ्य को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उसकी स्थिति क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को लेकर ही सभी चिंतित हैं। परिवारजन के साथ तमाम जो लोग इस मुहिम में जुटे हुए थे वो भी यही चाहते हैं कि सुरक्षित वापस निकले। देखना ये हुआ कि कुछ देर बाद क्या परिणाम निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां तैयार हो रही उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कुछ देर बाद ही जो है बच्ची है उसको बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए हालांकि पर्दा लगाया गया, देखिए मूवमेंट और बढ़ता जा रहा है। तमाम जो NDRF की टीम है वो माना जा रहा है कि कोई भी क्षण जो है वो आखिरी क्षण हो सकती है जिससे बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। तो यही जो एक आप कह सकते हैं कि लगातार 40 घंटे तक का जो इंतजार था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके का मूवमेंट अब बढ़ा है, पदाधिकारियों की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, तो सभी लोग एकदम रेडी खड़े हुए हैं कि जैसे ही बच्ची बाहर आती है तत्काल उसको अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन अभी सभी की चेहरे उन्हीं जवानों के बीच में है कि आखिर उस बोरवेल से बच्ची की कैसी स्थिति है और कैसी वो बाहर निकल कर आती है। तो वही कोशिश सब कर रहे हैं, और धीरे धीरे यही माना जा रहा है कि यहाँ से उसको एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा। तो वही परिणाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देखना ये होगा कुछ देर बाद क्या स्थितियां बनती हैं। धीरे धीरे हम टेंट के पास तक जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है ऋतु, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में पिछले 40 घंटे में बच्चे की स्थिति क्या थी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तमाम पदाधिकारी हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पल पल की जानकारी देने के लिए, और यही प्रार्थना भी सभी की है कि बच्ची सकुशल निकले। और देखिए ये अंतिम तैयारियां हैं जी, एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पर है, पूरा रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया गया है। किसी भी पल जो है वो खबर जिसका आपको इंतजार था जी, प्रार्थना यही है सभी, यही
बिल्कुल सूरज, तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, नजरें भी बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए बस कुछ ही पल का इंतजार बचा है, टीम लगातार जुटी हुई है और 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन मिली है। अब बस कुछ ही मिनट का हम कह सकते हैं कि इंतजार बाकी है जब बच्ची को बाहर निकाला जाएगा और उम्मीद यही है कि सही सलामत सिस्ट्री को बाहर निकाला जा सके।